हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव और अकेडमिक क्लासेस। तो जैसा कि दोस्तों हमने कल बताया था आपको, कल सिलोजिज्म चैप्टर आपका चालू किया था, उसमें हमने थोड़ा बेसिक्स आपको बताए थे और उसी से आगे आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सिलोजिज्म के आगे क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे, कैसे टाइप्स पाएंगे उनको हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो कल हमने तीन टाइप्स डिस्कस कर लिए थे जो 100% ट्रू आते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, आगे नेक्स्ट कौन से टाइप का आते हैं वो। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है जिससे कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इसमें एक टाइप रह गया था, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखते हैं स्लोली। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 रह गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसमें क्या है, सम कार्स आर नॉट बसेस, कुछ कारें बस नहीं है, कुछ कार है, ये है कथन आपका, कुछ कार है, कुछ कार है बस नहीं है, बस नहीं, कुछ कार है क्या नहीं है, बस नहीं है, इसी पे निष्कर्ष है आपके, निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष नंबर 1, निष्कर्ष है आपका पहला, सम बसेस आर नॉट कार, कुछ कार है, कुछ बस कार नहीं है, कुछ बस कार नहीं है, कार नहीं है। नंबर 2, 2 है आपका, नो बस इज कार, कोई भी बस कार नहीं है, कोई भी बस कार नहीं है। ठीक है, नंबर 3 है इसका आपका, नो कार इज बस, कोई भी कार बस नहीं है, कोई भी कार बस नहीं है, बस नहीं है। नेक्स्ट है आपका चौथा, चौथा है सम बस आर कार, कुछ बसें कार हैं, कुछ बसें कार हैं, कुछ बसें कार हैं। नंबर 5, 5 कह रहा है सम कार बस, कुछ कार बस हैं, कुछ कार बस हैं। नंबर 6, 6 कह रहा है ऑल बस आर कार, सभी बसें, सभी बसें कार हैं, कार हैं, सभी बसें कार हैं। नंबर 7, 7 में कह रहा है, 7 में भी कह रहा है क्या, ऑल कार आर बसेस, सभी कारें बस हैं, सभी कारें बस हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे 2 सेकंड में हल कर सकते हैं वो हमने कल आपको फिगर से बताया था। तो ये जो सेंटेंस देखिए, इसमें कथन क्या कह रहा है, ये कथन आपका नेगेटिव है, कथन कैसा आपका नेगेटिव है, मतलब ये नकारात्मक सेंटेंस है, नकारात्मक आपको इन्होंने कथन दिया हुआ है और ये आपको निष्कर्ष दिए हुए, तो आपने कैसे हल कर सकते हैं, देखिए कुछ कारें बस नहीं है। तो हमने जब कहा था कि नेगेटिव जो सेंटेंस होता है, कथन दिया होता है, तो उसके जो ऑब्जेक्ट होता है वो 100% होता है, तो ऑब्जेक्ट कितना होता है, 100%, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर तो 100 आ गया। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ जो कार, कुछ कार, कुछ मतलब 50%, तो इसको तो 100 मिलेगा, इसको मिलेगा 50। ठीक है, अब देखिए इसमें इससे ही निष्कर्ष निकालते हैं,
तो नेगेटिव वाले केस में ये नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव वाले केस में पीछे कितना होता है, 100 होता है, और ये सम है तो ये 50 होता है। अब देखिए कह रहा है कुछ बस कार नहीं है, यानी ये जो कार है उसे 100 बनाना है, और यहाँ कार कितनी है, 50 है, और जब 50 कार है तो 100 कैसे बन सकती है, तो हम 50 को तो 100 नहीं बना सकते, यानी ये हमारा रॉन्ग है, ठीक है, 50 को हम 100 नहीं बना सकते, कार के पास था 50 और इन्होंने बना दिया इसे 100, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ये जादू हमारे हाथ में नहीं है कि 50 रुपये को आप 100 रुपये नहीं बना सकते, 100 रुपये से 50 रुपये बना सकते, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है कोई भी बस कार नहीं है, नेगेटिव केस कितना रखता है, 100 रखता है, ठीक है, और ये ना कोई भी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 100 रखता है, देखो कार को इसने 100 पहले बोल दिया है, और कार कितनी है, 50 है, तो इसी से आप नेगेटिव कर सकते हैं कि ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, कोई भी यानी इसके भी 100 होगा, क्योंकि कोई भी यानी पूरा 100% ये नहीं है, कोई भी यानी 100% नहीं है, तो इसने बस को तो सही 100 बोल दिया, पर कार को 100 नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि कार हमारे पास 50 है, तो 100 नहीं कार वो कर सकते, ठीक, कोई भी यानी 100, कार को 100 बोल दिया, बस को भी 100 बोल दिया, तो बस तो 100 है पर कार 100 नहीं है, यानी ये भी फॉलो नहीं करेगा। अब देखिए जब नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है, इधर देखिए सभी ये सेंटेंस जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं सभी पॉजिटिव हैं, और जैसे ही पॉजिटिव है तो हमने बिना देखे काट, यानी नेगेटिव केस में हमारा एक भी फॉलो नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, करेंगे नन फॉलो, यानी कोई भी अनुसरण नहीं करता है, इसका ये आंसर हो जाएगा, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ठीक है, तो इसमें कहेंगे नन फॉलो, नन फॉलो, ठीक है, या कहेंगे हम इसे कोई भी अनुसरण नहीं करता, कोई भी अनुसरण नहीं करता, नहीं करता, ठीक है, या तो हम ऐसे कहेंगे कोई भी अनुसरण नहीं करता, या इंग्लिश में कहना चाहे तो नन फॉलो करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को और कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, पहले से हम थोड़ा बता देते हैं, ठीक है, सेंटेंस तो हमने इसको देखो या आराम से हल किया ऐसे, ठीक है, ये कल का पोर्शन बचा हुआ था, आज आपका डे 2 चल रहा है, ठीक है, तो डे 2 में आपको आगे के कंसेप्ट कराऊंगा मैं, ठीक है, तो कल का जो रिमेनिंग था उसे हमने यहाँ पे करा दिया, तो चलिए अब नेक्स्ट डे 2 में आ गए हम, ये दूसरा वीडियो है हमारा इसका, ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए डिस्कस करते हैं, डे 2 में आ गए हैं, ठीक, तो आगे डे 2 में यानी आज क्या क्या देखेंगे हम, जितना कवर हो सकता है उतना करेंगे, तो पहला सेंटेंस लिखिए इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखिए, कह रहा है ऑल रेन्स आर वाटर, सभी जो वर्षा है वो पानी है, सभी वर्षा पानी है, पानी है, सभी जो वर्षा हो रही है वो क्या है, पानी है, ठीक है, और इसमें दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है इन्होंने, कथन है ये, कथन चल रहे हैं, कथन, ठीक है, कथन नंबर 1 था ये, कथन नंबर 2, 2 में इन्होंने कहा है ऑल वाटर आर क्लॉग्ड, सभी पानी बादल हैं, बादल है, सभी पानी बादल हैं, अब इस पे निष्कर्ष दिए हुए इन्होंने, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष कहेंगे से हिंदी में, इन्होंने कहा है कुछ बादल कुछ बादल कुछ बादल पानी नहीं है, पानी नहीं है, कुछ बादल पानी नहीं है, नंबर 1 था, नंबर 2, 2 में कह रहा है
वाटर आर नॉट रेन, कुछ पानी बरसात नहीं है, कुछ पानी बरसात नहीं है, बरसा नहीं है, नहीं है, ठीक है, कुछ पानी बरसा नहीं है, ठीक है, ये दोनों है आपसे कंक्लूजन, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये सेंटेंस हमें ज्वाइंट करने हैं, ठीक है। तो अब देखिए, कोई ज्वाइंट से निकलेगा, कोई इंडिविजुअल निकलेगा इसमें, ठीक है, यानी कोई तो इसमें ऐसा होगा कि ज्वाइंट से आंसर निकल जाएगा और कोई होगा जो आपका इंडिविजुअल निकल जाएगा। यानी ये देखिए, ये भी सेंटेंस प्लस है, ये भी सेंटेंस प्लस है। जब इन दोनों को प्लस जोड़ते हैं तो हमें जो कंक्लूजन मिलता है वो हमें प्लस ही मिलता है, यानी जो निष्कर्ष निकलता है उसका निष्कर्ष वो भी हमारा कैसा पॉजिटिव ही फॉलो करता है, ठीक है। तो यानी दो सेंटेंस को मतलब हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। अब यहाँ पे दो सेंटेंस पॉजिटिव जब जुड़ते हैं तो वो पॉजिटिव ही कंक्लूजन लाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, पहला सेंटेंस कहाँ से कहाँ के बीच में बोला है, पहले हम इसे दे देते हैं 100 50, तो सभी के लिए 100, ठीक है, पॉजिटिव है तो पीछे वाले में 50, ठीक है, सभी के लिए 100, तो पॉजिटिव है तो पीछे वाले के लिए 50, ठीक है। तो पहला अगर हम सेंटेंस देखें तो इसमें क्या कहा है, कुछ बादल पानी नहीं है, और बादल से इन्होंने पानी पड़ा है, और बादल से पानी हम कहाँ पढ़ सकते हैं, ये आप दूसरे सेंटेंस में हम देखेंगे, बादल पानी ये दोनों हम दूसरे सेंटेंस में मिल रहे हैं, जरा नहीं है तो पानी से यहाँ नहीं पढ़ सकते या बादल नहीं है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं दूसरे कंक्लूजन से, ये फ्रॉम सेकंड कथन से ये हमें मिल रहा है, इन्होंने क्या कहा है, बादल, कुछ बादल, यानी बादल को इन्होंने 50 बोला है और पानी को इन्होंने 100 बोला है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सेंटेंस आपको कैसा था, आपका सेंटेंस था पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं निकलता, ये हमने आपको पहले ही जब शुरुआत कराई थी तो हमने ये चीज आपको बताई हुई थी कि पॉजिटिव कंक्लूजन से आप पॉजिटिव सेंटेंस होगा उससे आप नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलेगा तो ये स्ट्रेस भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये पहला गलत हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है, दूसरा इन्होंने क्या कहा है, कुछ पानी, अभी हम एक बार सेंटेंस को, कुछ पानी ये नहीं नहीं है इसमें, ठीक है, कुछ पानी बरसा है, ठीक है, कुछ पानी बरसा है, तो पानी कितना है 50, और बरसा कितना है 50, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये जो है वो इधर लिख लीजिए, ठीक है। तो अब ये देखिए, यहाँ पे कुछ पानी, पानी के पास कितना पानी और बरसा किसकी बात हुई है, पहले वाले सेंटेंस से निकल जाएगा, फर्स्ट फर्स्ट से ये निकल जाएगा इसका कंक्लूजन। तो इसमें कह रहा है पानी को इसने 50 पढ़ा है, यहाँ हमारे पास 50 था, ठीक है, और यहाँ पे वर्षा को उन्होंने 50 पढ़ा है, 100 था, तो हम जब ये 100 को तो 50 पढ़ सकते हैं, पर कभी भी 50 को 100 नहीं पढ़ सकते, 100 को 50 पढ़ सकते, तो यहाँ पे क्या रहा है, पानी को 50 दिया है, वर्षा को 50 दिया है, तो ये पूरा फॉलो होता है, इस तरह से ये सेंटेंस आपका पूरा पूरा फॉलो हो जाएगा। पहला क्यों फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि वो नेगेटिव सेंटेंस था, और पॉजिटिव जो कथन होता है वो नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं देता, ये आप सभी इस तरह से जानते हैं, ठीक है। तो स्किप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दो फिर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा इसे कैसे हमने आसानी से हल कर लिया, क्या क्वेश्चन नंबर 1 5 का आगे बढ़ेंगे। देखिए, ठीक है, आगे देखिए, देखते हैं इसमें आगे सेंटेंस आएगा उसमें हम आपको आगे जो भी होगा वो आपको अच्छे से समझाएंगे, आपको समझ नहीं आता है तो आप ऐसे भी जो देख लीजिए इसे बड़ा पाठ करके देखिए, आराम से समझिए इसे, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है, इसलिए मैं इतनी आराम से करा रहा हूँ, आपको दिक्कत ना हो कोई भी, ठीक है। तो इसमें हमने अभी क्वेश्चन 5 डिस्कस कर लिए और अब क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है सम क्लाउड्स आर वाटर, कुछ बादल
पानी है, कुछ बादल, कुछ बादल पानी है, पानी कुछ बादल पानी है, पहला कथन है। दूसरा कथन है इसका, दूसरा कथन कुछ बादल पानी है, ठीक है, और इसमें दूसरा मेरा है कुछ बादल पानी है, ये अनकम्प्लीट है, तो इससे अभी हम हाँ ये कंक्लूजन ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस वही दो थे और उनसे ये कंक्लूजन दिए हुए हैं, तो सेंटेंस पहले हम लिख देते हैं, तो अभी हम सेंटेंस लिख देते हैं वो ऊपर वाले जो हमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिए थे, वहीं से ये कंक्लूजन दिए हुए हैं, ठीक है। तो सेंटेंस क्या थे, स्टेटमेंट क्या था, ठीक है, कथन क्या थे। पहला कथन है सभी बारिश पानी है, सभी वर्षा पानी है, पानी है, ठीक है। नंबर सेकंड था सभी पानी बादल हैं, सभी पानी बादल हैं, बादल है। ये दो सेंटेंस थे हमारे पास, दो कथन दिए हुए थे हमें, और कंक्लूजन हमें दिया हुआ है। कंक्लूजन क्वेश्चन नंबर 6 में आपका आता है, स्टेटमेंट नीचे हमें हल करना, कंक्लूजन ठीक है, निष्कर्ष यहाँ से हमने दिए हुए हैं, हमने दिए हैं। तो पहला निष्कर्ष दिया है सम क्लाउड्स आर वाटर, कुछ बादल पानी है, कुछ बादल पानी है, और नंबर 2 कहा है इन्होंने कुछ पानी बरसा नहीं है, कुछ पानी बरसा नहीं है, बरसा नहीं है, कुछ पानी बरसा नहीं है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए आप ध्यान से, तो इसमें हमने कहा था ये दोनों क्या है, सेंटेंस है पॉजिटिव में, और जब पॉजिटिव से कोई चीज जुड़ती है तो वो पॉजिटिव ही कंक्लूजन निकालती है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ये सेंटेंस किस किस से भर रहे हैं, इन दोनों का यूज करके भर रहे हैं या एक का यूज करके भर रहे हैं, वो हमें देखना पड़ेगा इसमें। तो कुछ बादल से हमें कहा पढ़ा है इन्होंने, पानी पढ़ा है, तो बादल से पानी पॉजिटिव सेंटेंस है, बादल से पानी, ठीक है, बादल से पानी पड़ा है इन्होंने, ठीक है। तो बादल कितना था यहाँ पे, ये 100 है, तो बादल 50 रखता है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ऑब्जेक्ट के पास 50 होगा, तो यहाँ पे बादल 50 ले रहा है और पानी भी 50 ले रहा है, तो यानी ये दोनों सही है, क्योंकि बादल को इन्होंने 50 बोला है और पानी को इन्होंने 50 बोला है, 100 को इन्होंने 50 बोला है, तो हम 100 को 50 बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस मेरा सही हो गया, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव था और पॉजिटिव ही कंक्लूजन से हमने पॉजिटिव सेंटेंस निकाला। नंबर दूसरा सेंटेंस देखिए, पानी से इन्होंने वर्षा की बात कही, ठीक है, पानी से वर्षा की बात कही, पर ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, और पानी से वर्षा पहले सेंटेंस में है जो पॉजिटिव सेंटेंस है कथन का, और उससे कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकल सकता, यानी ये सेकंड आपका गलत हो, यानी यहाँ पे आप कहेंगे फर्स्ट फॉलो, फर्स्ट फॉलो या प्रथम अनुसरण करता है, या पहला पहला अनुसरण करता है, ऐसे सेंटेंस को लिखेंगे, पहला अनुसरण करता है। और क्वेश्चन नंबर 6 के कंक्लूजन थे, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के कंक्लूजन इसी से निकल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या है, कंक्लूजन ही है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा है, सम रेन आर वाटर, कुछ बरसा पानी है, कुछ बरसा पानी
पानी है, कुछ बरसा पानी है, ठीक है, सम वाटर आर क्लाउड, कुछ पानी बादल है, कुछ पानी बादल है, बादल है, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस आपको उन्होंने दिए हैं, तो आप देखते हैं कि ये फॉलो करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो इन सेंटेंस को हम देखेंगे कि ये फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला, इन्होंने बरसा से पानी पड़ा, तो बरसा कहाँ है, बरसा पानी पहले सेंटेंस में मिल रही है हमें, तो पहले सेंटेंस में बरसा के पास 100 है, क्योंकि इक्वेटर सेंटेंस है, और ऑल के आगे 100 होता है, यानी सभी के आगे 100 होता है, तो पानी 50 है, ठीक है। पानी क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट 50 रखता है, ठीक है। तो कुछ कुछ यानी 50, पानी 50, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक बात है। तो यहाँ पे आप पानी बरसा को इन्होंने 50 पढ़ा, 100 था मेरे पास, और पानी को इन्होंने 50 पढ़ा, यानी ये मेरा पहला फॉलो हो गया, ठीक है, यानी इन्होंने 3 पढ़ाया, ठीक है। अब यहाँ पे पानी को इन्होंने 50 पढ़ा और बादल को भी इन्होंने 50 पढ़ा, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पानी और बादल किससे आए, पानी और बादल नीचे के सेंटेंस से ही निकल रहा है। पानी को हम 100 का पानी को 50 पढ़ सकते हैं, और बादल 50 का तो 50 को पढ़ सकते हैं, यानी दोनों फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहेंगे हम बोथ फॉलो दोनों अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों अनुसरण करते हैं, इस तरह से सेंटेंस को आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे टॉपिक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम 10 क्वेश्चन तक आपको पहुंचा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे टॉपिक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कंक्लूजन, ठीक है। ये कंक्लूजन होते हैं, ठीक है, काफी बड़ी न्यूज हो रही है, तो उसमें काटते हैं थोड़ा, ठीक है। कंक्लूजन ये होगा, ठीक। नंबर 1 कंक्लूजन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कंक्लूजन दिया है, ऑल वाटर आर रेन, सभी पानी बरसा है, सभी पानी पानी बरसा है, सभी पानी बरसा है। क्वेश्चन कंक्लूजन नंबर 2, कंक्लूजन 2 में उन्होंने कहा है, ऑल क्लाउड्स, सभी बादल पानी है, पानी है, सभी बादल पानी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने ये कहा है। चलिए अब उसे भी हम प्रोफिट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। देखिए सभी है तो पानी के पास 100 है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो पीछे 50 है, बादल सभी है तो 100 है, सभी के लिए बादल के पास कितना होगा, 100 होगा, और पानी के पास पॉजिटिव के लिए 50 होगा, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम देखेंगे तो पानी को 100 पड़ा, पानी 100 है मेरे पास, और वर्षा मेरे पास कितनी है, वर्षा मेरे पास 50 है, ठीक है। तो पानी को इन्होंने पढ़ा है 100, और बरसा को इन्होंने पढ़ा है कितना, 50। तो अब ये यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि ये जो है, ये दोनों पानी और बरसा अलग अलग सेंटेंस में दिए हुए हैं। तो बरसा यहाँ पे है, ठीक है, हाँ बरसा पानी ये है, ठीक है। तो पानी यहाँ पे कहा है इन्होंने, सही है, पहले सेंटेंस से मिल जाता हमको, फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट से मिल जाता है। तो देखिए पानी यहाँ पे हमारे पास 50 था और ये 100 पढ़ रहे हैं, तो हम 50 को कभी 100 नहीं पढ़ सकते, इसलिए गलत होगा, ठीक है। यानी सभी बादल पानी है, यानी बादल यहाँ पे कितना था, 50 था, और इन्होंने पढ़ा है 100, तो 100 हम नहीं पढ़ सकते, यानी दोनों गलत, यानी नन फॉलो, यानी डू नॉट फॉलो एनी वन, कोई भी यहाँ पे फॉलो नहीं करता है, यानी नन फॉलो कह सकते हैं आप इसे, दोनों गलत हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं करता,
क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने क्या किया, इस वीडियो में हमने डिस्कस कर दिया। इसमें 8 तक ही रहने देते हैं, वीडियो काफी लंबा दिखता है, देखने में भी दिक्कत होती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 8 से आगे अहेड कराएंगे, आगे ले जाएंगे। तो इसमें क्या है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और आप तो क्या करना है, आपको अपनी एक किताब लेनी है, किरण की किताब ले लीजिए इनकी। उसमें क्या करना है, आपको जो भी आपको यहाँ पे आप पढ़ते हो उसमें लगाना है, पर लगाना ऐसा ही है कि ये अभी तो आपको नहीं लगाना है, क्योंकि आप इसे लगाओगे तो ऐसे ही सेंटेंस आपको नहीं मिले, इसी रूल से रिलेटेड नहीं मिले, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अभी आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे किसी भी किताब से करो। तो करण का जो कलेक्शन है वो पेपर से कलेक्शन होता है, जो भी पेपर आए होते हैं वो कलेक्शन होता है। तो उसमें कहीं कौन सा भी रखा होता, कहीं कौन सा भी रखा होता, टाइप तो होते हैं उनके। ठीक है, तो वो भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जब ये चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, तो उससे पहले इन पे ही आपको फोकस करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करना कभी नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।